हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। और अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं, आपके गार्डन में धूप कम आती है, तो आपके लिए बेस्ट प्लांट है ये प्लांट जिसका नाम है क्लेडियम। तारो प्लांट भी कहते हैं और ग्रीन लीफ विद वाइट एंड रेड स्पॉट्स भी इसका नाम है। काफ़ी सारे नाम हैं इसके और काफ़ी सारी वैरायटी हैं, अबाउट 100 के आसपास इसकी वैरायटी हैं। अगर आप अपने गार्डन में कलर ऐड करना चाहते हैं, देखिए कम धूप आती है तो वहाँ पर ब्लूमिंग वैसे ही कम होती है प्लांट्स में, तो आपके लिए बेस्ट प्लांट है। हालांकि इसमें भी फूल आता है, ये देखिए बर्ड्स बनी हुई हैं, पीस लिली के जैसा इसका फूल होता है। आज इसी के केयर टिप्स आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कैसे इसको ग्रो किया जाता है, कैसे नेक्स्ट सीजन के लिए इसको सेव किया जाता है और कैसे इसकी देखभाल की जाती है, वो सब डिस्कस किया जाएगा। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल सकती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसकी सोयल। सोयल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। अगर आप के पास अच्छी सोयल है, हार्ड सोयल नहीं है, तो आप जैसे और प्लांट्स के लिए सोयल बनाते हैं वो मिक्सचर तैयार कर सकते हैं खाद और वेल ड्रेन बनाने के लिए। सैंड, परफ्लाइट, कोकोपीट, कुछ भी, राइस हस्क, कुछ भी आप डाल सकते हैं अच्छी मात्रा में। और अगर आपके पास हार्ड सोयल है तो आप इन सब चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, गार्डन सोयल कम रखिए और ये सब चीज़ों की क्वांटिटी, ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए, तो आपकी सोयल जो है वो वेल ड्रेन होगी। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके ये बल्बस प्लांट है और अगर सोयल वेल ड्रेन नहीं होगी तो पानी से वो बल्ब गल जाएंगे और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। और लोकेशन की बात करें तो लोकेशन आपको मैंने बताया कि जहाँ पर कम धूप आती है, एक दो घंटे की धूप इसके लिए रिक्वायरमेंट इसकी है बस। और अगर आप इसको फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसके जो कलर हैं वो फेड होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक दो घंटे की धूप रखेंगे, दो चार की भी रखेंगे पार्शल शेड में, तो भी इसके जो कलर हैं वो डार्केस्ट होते चले जाएंगे और अच्छे कलर, निखर के कलर आएंगे इसमें। और अगर इसको सिर्फ लू से बचाना है तो बेस्ट प्लेस इसके लिए यही है, आप इसको जितना हो सके दीवार के पास रखिए, वहाँ से इसको लू कम लगेंगी, गर्म हवाएं कम लगेंगी। और या फिर बहुत सारे प्लांट्स के बीच में लगाइए इसको, ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट या लू का असर हो ना। और उसके बाद क्योंकि इससे क्या है, इसके जो पत्ते हैं वो पीले होकर गिरना शुरू हो जाएंगे, लटक जाएंगे गर्म हवा से और ज़्यादा धूप से, और कलर भी फेड होना शुरू हो जाएगा इसके। ये तो हो गई लोकेशन की बात। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको मंथली एक बार फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है, और पोटाश रिच फर्टिलाइज़र इसको ज़रूरी है, तो वो आप इसको डाल सकते हैं। और लिक्विड फर्टिलाइज़र आपकी इच्छा है डालें या ना डालें, ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। और इसका जो डोरमेंसी पीरियड है वो विंटर है। विंटर में इसके जो बल्ब हैं उनको सेव कैसे रख सकते हैं, देखिए निकालेंगे तो आपको 10 चीज़ें और करनी पड़ेंगी, फंगस लगने का डर रहता है, ख़राब होने का डर रहता है। आप इसको जिस पॉट में इस प्लांट को लगाएंगे, बल्ब को लगाएंगे, उसी में ही इसको छोड़ दीजिए। और बस ये ध्यान रखिए कि उसमें पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि फिर आपके बल्ब रोट होने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और फंगस से बचाने के लिए उसमें जब आप इसको लगाते हैं इसकी मिट्टी में फंजीसाइड ज़रूर डालें। और इसके साथ साथ जब आप इसकी इसको डोरमेंसी पीरियड के लिए सेफ रखना चाहते हैं, उस टाइम इसके प्लांट पॉट में ऐसा प्लांट लगाइए कोलियस टाइप, या जिसमें के बहुत कम पानी की ज़रूरत हो। विंटर में वैसे भी पानी कम ही जाता है प्लांट्स में, बस ये ध्यान रखना है और कुछ नहीं। जब मार्च अप्रैल आएगा तो अपने आप से इसके जो फुटाव है वो शुरू हो जाएगा, और आप एकदम आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि किस पॉट में आपके ये क्लेडियम लगे हुए थे। तो बस मई जून आते आते आपको इसमें
फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। और लोकेशन की बात की मैंने, हाँ इसकी जो बल्ब हैं वो काफ़ी ईजिली मिल जाते हैं, नर्सरी में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। और बहुत जो हाइब्रिड टाइप के प्लांट हैं, इसकी वैरायटी है, उसके थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, वो भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें जब आप बल्ब लगाएंगे तो उसके बल्ब अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होते जाते हैं, तो आपको एक बल्ब के काफ़ी सारे बल्ब लास्ट में मिल जाते हैं मल्टीप्लाई हो होकर। और साथ में जब आप इसको लगाते हैं तो एक इंच से ज़्यादा इसको मिट्टी में मत दबाएं, क्योंकि फिर इसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा फुटाव के बाद ऊपर आने के लिए। और इसके जो आई होती हैं उनको ऊपर रखिए, उनको मत दबाइए, आई इसकी ऊपर होनी चाहिए। और इसकी जो शेप होती है वो बल्ब की, वो कुछ कुछ थोड़ी अरबी की सब्जी होती है ना, उसके उससे मिलती जुलती होती है। तो बल्ब देखने में इतने सुंदर नहीं होते हैं, बट हमने उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको बस इतना दबाइए कि ऊपर ही रखिए, बस इतना कि उनको स्प्राउट होकर बाहर निकलने में स्ट्रगल ना करना पड़े। एक वेल ड्रेन सोयल होगी तो उनको वैसे भी स्ट्रगल कम करना पड़ेगा और जल्दी से वो मिट्टी से बाहर आ जाएंगे, दिखाई देने लग जाएंगे आपको मार्च अप्रैल में। तो ये देखिए, इसकी हंड्रेड्स के आसपास इसकी वैरायटी है, बहुत ही कलरफुल प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। अगर आप अपने गार्डन में कलरफुल गार्डन आपको बनाना है तो आपके लिए ये बेस्ट प्लांट है, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है, कोई इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी का ध्यान रखना है आपको और सोयल अच्छे से वेल ड्रेन बनानी है। पोट भी बहुत बड़े पोट की ज़रूरत नहीं है, 6 से 8 इंच के पोट में ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ये तो थी केयर टिप्स और ऑल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। अगर कोई रह भी गई है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, बहुत वैरायटी आती है कलर्स में। तो इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं। आई होप आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप इसको लेकर आएंगे और अपने गार्डन में इसको जगह देंगे। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलें।